बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पार्ट टू करने वाले हैं चैप्टर फोर का। यह है आपकी बुक कंप्यूटर साइंस की। ओपन योर बुक पेज नंबर 45। नेक्स्ट है आपकी सेंटर कमांड। द सेंटर कमांड ब्रिंग्स द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द कैनवस विदाउट ड्राइंग अ लाइन। सेंटर कमांड जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो सेंटर में ले आती है टर्टल को बगैर कोई भी लाइन ड्रॉ किए। द हेड ऑफ द टर्टल पॉइंट्स द सेम डायरेक्शन एज इन द प्रीवियस कमांड। जो हमने पहले से कमांड दी हुई होती है वो उसी कमांड के पे चलता हुआ वापस अपनी जगह पर आ जाता है। द सेंटर कमांड डज नॉट ड्रॉ अ लाइन। सेंटर कमांड कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करती। इट मूव्स द सेंटर ऑफ द कैनवस। वो सिर्फ इसको सेंटर में ले आती है कैनवस के। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ कमांड। आपको ये कुछ कमांड्स दी हुई हैं जिसमें रीसेट है, FW 100, TR 150 और सेंटर। द फर्स्ट कमांड मूव्स द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द कैनवस विद इट्स हेड पॉइंटिंग अप वर्ड। द सेकेंड एंड द थर्ड कमांड मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाई 100 स्टेप एंड देन मूव द हेड बाई 150 डिग्री टू इट्स राइट। आप फिगर 4.9 में देख सकते हैं फर्स्ट कमांड में क्या उसने किया था, सेकेंड कमांड में उसकी डायरेक्शन जो थी, और थर्ड कमांड में वो 100 स्टेप आगे लेके गई और फिर उसने टर्न कर दिया 150 डिग्री पे। द लास्ट कमांड जो आखिरी कमांड है ब्रिंग्स द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द कैनवस विदाउट ड्राइंग अ लाइन। आपको नज़र आ रहा होगा कि वो वापस सेंटर में ले आए टर्टल को कैनवस के बगैर कोई भी लाइन ड्रॉ की। द हेड ऑफ द टर्टल पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एज इन द प्रीवियस कमांड। जो भी हमने पहले कमांड दी थी वो उसी कमांड के मुताबिक ही रहेगा, लेकिन वो जो है वो सेंटर में आ जाएगा। सेटिंग कैनवस साइज एंड कलर्स। कैनवस के साइज़ और कलर को हम कैसे सेट कर सकते हैं। यू कैन चेंज द साइज़ एंड कलर ऑफ द कैनवस। आप साइज़ और कलर जो है कैनवस का चेंज कर सकते हैं। द कमांड कैनवस साइज़ एंड कैनवस कलर। उनके लिए कमांड जो है वो हम कैनवस साइज़ और कैनवस कलर को इस्तेमाल करते हैं। द कमांड कैनवस साइज़ 200 सेट द कैनवस विड्थ एंड हाइट टू 200 स्टेप सिंस द विड्थ एंड हाइट आर इक्वल द कैनवस विल बी स्क्वायर। कहता है कि कैनवस साइज़ जो है 200 स्टेप अगर हम उसे देते हैं तो वो उसकी विड्थ और हाइट जो है वो 200 स्टेप ब्रॉड कर देती है। तो इसका मतलब है आपके सामने विड्थ भी 200 होगी और हाइट भी 200 होगी तो एक कंप्लीट कैनवस का एक स्क्वायर बन जाएगा कि उसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम है। द कमांड कैनवस कलर 00 मेक्स द कैनवस ब्लैक। अगर हम कमांड देते हैं कैनवस कलर को 000 की तो वो कैनवस को ब्लैक कर देता है। उसका जो कलर होता है 00 इज कॉल्ड दी RGB वैल्यू। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे रेड RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। द फर्स्ट नंबर स्टैंड फॉर रेड। जो पहला नंबर होता है, जो स्टेप हम पहला देते हैं नंबर, वो रेड को शो करता है, सेकंड वाला ग्रीन को और थर्ड वाला ब्लू को। ईच ऑफ देम कैन टेक वैल्यूज़ ऑफ 0 to 255। आप जो है 0 से लेके 255 तक वैल्यू कोई भी इसको दे सकते हैं। 0 फॉर ईच गिव्स द कलर ब्लैक। अगर आप किसी भी कलर को 0 वैल्यू देते हैं तो वो ब्लैक को उसको कर देगा। यू कैन आल्सो सेट द कलर वैल्यूज़ बाय द फॉलोइंग स्टेप बिलो। क्लिक टूल्स। आप सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द कलर पिकर ऑप्शन इन द मेन्यू डैट ओपन्स। फिर आप कलर पिकर ऑप्शन को वहाँ से सेलेक्ट करेंगे मेन्यू में से, और कलर पिकर डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। जैसे 4.10 में आपको डायलॉग बॉक्स दिखाया हुआ है कि इस तरह का आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कलर पिकर पिक जो ऑप्शन है उसको क्लिक करने से। एंड नेक्स्ट है यू कैन मूव द स्लाइडर फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आप इनकी जो साइड होती है वो भी चेंज कर सकते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू की आपस में, एंड द कलर डैट इज़ फॉर्म बाय अ कम्बिनेशन ऑफ देयर वैल्यूज। आप इनको एक्सचेंज कर सकते हैं और एक्सचेंज करने से एक नया कलर आपके सामने आ जाएगा। द RGB नंबर्स आर शोन इन द टेक्स्ट बॉक्स। आपके सामने कुछ नीचे नंबर्स दिए हुए हैं कि आप RGB के लिए कौन कौन से नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। क्लिक द पेज टू एडिटर बटन। द कमांड विल अपीयर इन द एडिटर पैन। जो भी आप कमांड यूज़ कर रहे हैं आप उसको एडिटर बटन के अंदर पेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास एडिटर पैन में आ जाएगी। फिर आप क्लोज बटन पर क्लिक कर दें। सेटिंग पेन कलर एंड पेन विड्थ। इन केट अर्डर यू कैन चेंज द पेन कलर एंड द पेन विड्थ आल्सो।
आप के टर्टल में पेन का कलर और पेन विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। द कमांड आर पेन कलर एंड पेन विड्थ रिस्पेक्टिवली। उसके लिए ये दो कमांड्स यूज़ होती हैं, पेन कलर कमांड। पेन कलर कमांड के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। विद द पेन कलर कमांड यू कैन सेट द कलर ऑफ द पेन टू द वन डैट यू लाइक बाई चेंजिंग द RGB वैल्यूज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेन कलर। आप RGB वैल्यूज़ को चेंज करते हुए कोई भी पेन कलर यूज़ कर सकते हैं। उसकी शॉर्ट फॉर्म है पेन कलर की PC। फॉर एग्जांपल पेन कलर 22-55-00 गिव्स रेड कलर। पेन कलर 02-55-00 गिव्स ग्रीन कलर। पेन कलर 00-55 गिव्स ब्लू। ये कुछ कंडीशन दी हुई हैं, इन कंडीशंस के वजह से, नंबर्स की वजह से आप ये कलर यू चूज़ कर सकते हैं। यू कैन चूज़ नोट क्या है, यू कैन यूज़ द कलर पिकर डायलॉग बॉक्स टू नो द RGB वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कलर। कलर पिकर डायलॉग बॉक्स की मदद से आप किसी भी कलर के बारे में ईजीली जान सकते हैं। पेन विड्थ कमांड, पेन विड्थ कमांड जो होती है वो पेन के साइज़ को शो कर रही होती है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेन विड्थ इज़ PW। फॉर एग्जाम्पल पेन विड्थ 50, सेट द पेन विड्थ टू 50 यूनिट्स। आप अगर पेन विड्थ 50 लेते हैं तो वो उसकी जो विड्थ है उसको 50 यूनिट्स कर